हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और गणेश भगवान की कृपा आप सब पर सदैव सदैव बनी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दिवाली की पूजा के दिन का है, उस दिन ये दिवाली की पूजा मैंने की थी, तो उस दिन का पूरा ये दिवाली की पूजा के दिन का है। मुहूर्त भी था तो मुहूर्त के हिसाब से मैंने दिवाली की पूजा अच्छे से हम लोगों ने कर ली है। अब मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने अपने हाथ से रंगोली बनाई। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने जो रंगोली बनाई है वो कैसा लग रहा है। ये सब मैंने पूरी सफाई वफाई कर करके डेकोरेशन जो भी जैसे मुझे हुआ मैंने वो किया। मैंने रूम में भी अपने हॉल में भी रंगोली बनाया था फ्रेंड्स। तो मोर बनाया है, एक फ्लावर बनाया है, तो आप लोग वही बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको रंगोली, क्योंकि टाइम बहुत कम था, सारा काम बहुत सारा पड़ा हुआ था। ये मैंने वो डाइनिंग टेबल पे मैंने इसको सजाया था, एक दिया पानी में वाटर एंड फ्लावर रख करके, तो दिया मैंने जलाया। तो ये भी सब डेकोरेशन जितना जल्दी जल्दी मुझे, क्योंकि आधे घंटे का या पौन घंटे का समय मिला था, उसमें सब कुछ करना था। ये देखिए दिवाली के दिन हमारे यहाँ यही सब खाना बनता है, सुरन की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, दही बड़ा, चना दाल, चावल और सब कुछ, मतलब यही सब बनता है। तो ये देखिए मैं बाहर बालकनी का आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने जो डेकोरेशन किया था वो भी आप देख लीजिए। कंदील, ये लाइटिंग्स और सब मैंने अच्छे से सजाया था उस दिन, तो दिया हुआ सब निकाल दिया था। तो उस दिन मैं थोड़ा सा क्लिप मैंने देखिए बनाया है, ये दिवाली के दिन का शाम का है, तो उस दिन का ये है। आप लोग भी बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा दिख रहा है, मेरी बालकनी कैसी लग रही है देखने में। कंदील से मैंने पूरा डेकोरेशन किया है, तो आप लोग भी बताइएगा किस तरह से आप लोगों ने अपना डेकोरेशन किया है, कैसे आपने अपने घर को सजाया है, क्या किया है, सब कुछ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का भी सुनना, मतलब कैसे लोग करते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी बालकनी मैंने इस तरह से सजाई है। ये रूम के अंदर का है, हॉल का, तो वहाँ पे मैंने सब जो किया था डेकोरेशन। मैं जा रही थी बाहर में दिया निकालने के लिए, पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर हम लोग दिया निकाले थे। तो इस बार की दिवाली तो चलिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, और आई होप सो कि सभी लोगों का दिवाली बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छे से दिवाली मतलब अच्छे से बीते सबकी, और माता लक्ष्मी का, गणेश भगवान का आशीर्वाद हम सब पर सदैव सदैव हमेशा के लिए बना रहे। तो यही कामना रहती है और क्या। तो इस तरह से दिवाली सब लोग हमने सेलिब्रेट किया सुबह से ना, इतने दिन की दिवाली की जो सफाई चल रही थी आज जाके, कि मेहनत लगता है त्यौहार बीत जाता है ना, लगता है कि मेहनत चलो सफल हो गई। जितना भी होता है ना सच, मतलब घर को जैसे भी है, जो भी है, जितने भी है, जैसा भी है, सबका अपने तरीके से सब लोग अपने घर को सजाता है, डेकोरेट करता है। ये मेरे मंदिर का है, ये मेरे बालकनी का है, सब मैं देखिए क्लिप मैंने लिया है, सब जगह के पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सब देखिए इसमें ना बहुत आवाज़ हो रही थी ना, जैसे जो पटाखे हैं, तो मैंने तो अभी इसको मतलब कम कर दिया वॉल्यूम को। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है 5829.preeti। उस पर भी मैं जैसे ही कोई चीज़ अच्छी चीज़ें होती, जैसे मीन्स जैसे कोई भी फेस्टिवल का कोई भी होता है, सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है कि आप अपना होम टूर दिखाइए, ये दिखाइए, तो मैं उसको भी मतलब शेयर करूँगी अपना होम टूर का भी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है, तो वो भी मैं करूँगी। और क्योंकि यूट्यूब पे दिखा करके फिर सब लोग उस पर देख सकते हैं, तो जो मेरी इंस्टाग्राम की जो फैमिली है वो भी मुझे यूट्यूब पे मतलब फॉलो करती है, सब्सक्राइब करा है, तो वो भी देखना चाहते हैं कि मेरा होम टूर सब कुछ अच्छे से। तो मैं वैसे भी मैं डे बाय डे अपने वीडियो या पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ, लेकिन एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए ना होम टूर का, तो वो चीज़ मैं ज़रूर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने बहुत सारे वीडियो स्किन केयर और ऐसे डाले हुए हैं जो आप उसको जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से आप हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ना मेरे चैनल को, तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सब कुछ, आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी जानकारी मिलते चली जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दिवाली का ये लुक मेरा मैंने क्रिएट सॉरी दिवाली का लुक मैंने ये मैंने अपने
किया था, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है अभी। तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन जल्दी जल्दी कर मतलब टाइम कम होता है ना, कि सारे फेस्टिवल एक एक करके आते चले जाते हैं, तो टाइम भी बहुत कम मिलता है। सारा काम भी खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, घर का हो बाहर का हो हर चीज़, तो उसी में सब समय निकाल कर सब करना है। और मुझे फेस्टिवल या फिर सेलिब्रेशंस कोई भी चीज़ आते हैं ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं बहुत अच्छे से इसको मैनेज करूँ, बहुत अच्छे से कर सकूँ, और जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर सकूँ, जितने में है जो भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो बहुत कम हो, हाँ लेकिन जितने में है उतना अच्छे से कर सकूँ कि मुझे खुद को भी अच्छा लगे और मेरे दिल को खुशी मिलनी चाहिए। और क्या, इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो कोई भी फेस्टिवल में अपने दिल को खुशी मिल जाए, ऐसा काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने सब कुछ दिवाली का त्यौहार मनाया। और आप लोगों ने दिवाली पे क्या क्या बनता है, आप लोग क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, वो सब भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, यूट्यूब पे भी बता सकते हैं। और पर्सनल मैसेज जैसे इंस्टाग्राम पे रहता है तो उस पर बातचीत शेयर करने से सही रहता है कोई चीज़ें, तो उस तरह से भी आप मेरे से लिंक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कोई चीज़ के लिए, या कुछ भी पूछना हो तो आप उस पर भी जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो बहुत रहा, बहुत रात भी हो गई थी दिवाली करते करते, 11:30 बज गया था, 12 बज गया था। हम लोग को हर काम पूरा करते करते जितना भी दिन भर का रहता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को मतलब क्लिक करके उसके बगल में जो रेड रंग का बटन है वो नोटिफिकेशन को उसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों के पास तुरंत ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, और मेरे हर वीडियो से मतलब हर वीडियो को देख सकते हैं, कोई वीडियो आपसे छूट नहीं सकती है। क्योंकि इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा होम टूर का, और इसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं 1 महीने से ऊपर हो गया होगा उसको इस्तेमाल करते हुए, तो उसका भी मैं रिव्यू देने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स के, वो भी रहेंगे, स्किन केयर भी रहेगी, और कोई चीज़ बताना रहता है ना डेकोरेशन के लिए, या फिर कोई भी फेशियल हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, तो हर चीज़ें मेरे इस पे आपको देखने को मिलती रहेगी। बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रहता है, सिंपल रहता है, क्योंकि सब लोग कर सके यार। क्योंकि देखो आजकल के समय में एक तो टाइम मिलना सबको कम है, और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी मतलब सामान खरीदना ऐसा करना सबका ऐसा नहीं हो पाता, तो सिंपल तरीके से भी आप अपने हर चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ें बहुत महंगे महंगे पैसे खर्च करके लाएंगे तभी आपको अच्छा चीज़ हो सकेगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर चीज़ अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं शेयर कर देती हूँ, अगर आप उसको ही फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ पे वीडियो आने वाली है, क्या आई है और क्या मैंने किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने घर को पूरा जैसे भी था मैंने डेकोरेट किया, बहुत कम समय मिलता है हर चीज़ करने के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने अपने घर को पूरा सजाया है करना, क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है, घर को भी देखना है, खाना पीना बाहर का घर का सारा काम रहता है, सबकी जिम्मेदारी देखते हुए सारा काम इसी में खुद को ही करना है, सब कुछ खुद को ही करना है। तो इसीलिए जितना हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ, जैसे भी होता है मैं अपना तरीके से सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सब कुछ किया है ये सब। और दिवाली और देखिए दिवाली तो जो धनतेरस का है ना, धनतेरस का मैंने ज़्यादा ब्लॉग ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया है। और आप लोग धनतेरस पे क्या क्या खरीदे ये सब भी मुझसे मतलब मेरे साथ शेयर करिएगा, अगर क्योंकि मैं धनतेरस का अगर आप लोग कहेंगे तो उसका ब्लॉग डाल दोगे, मैंने ज़्यादा उसका वीडियो नहीं किया, लेकिन हाँ जितना किया है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका शेयरिंग कर दूँगी। और धनतेरस भी देखिए आधे दिन इधर आधे दिन उधर करके था, इस पर तो सारा त्यौहार ही ऐसा हो रहा है ना कि कभी इधर कभी इधर हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से, ये मेरे छोटा वाला बेटा है, ये मेरे हस्बैंड हैं, और ये रहे मेरे बड़े वाले बेटे। तो सब लोग
हम सब लोग पूरी फैमिली, और जो दिवाली का जो फेस्टिवल रहता है इसमें सबकी छुट्टी भी रहती है ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। सब लोग साथ में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। सब लोग, तो मेरे बच्चे लोग गए नीचे पटाखा वटाखा सब छोड़ने के लिए, मेरे को बोले। मैंने गई कि मुझे थोड़ा डर भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता फोड़ने में, मतलब बिल्कुल डर लगता है बिल्कुल भी। तो इस तरह फुलझड़ी, हाँ फुलझड़ी जलाया था, बच्चे लोगों ने सब कुछ किया, चरखी अनार जो जो आते हैं ना, चटाई बम जो जो सब बम आते सब उन्होंने नीचे जाके फोड़ा, क्योंकि वहाँ बाहर में जाना था करने के लिए। तो इस तरह से सब लोग ने अपने तरीके से, बच्चे अपने तरीके से इंजॉय करते हैं, बड़े अपने तरीके से इंजॉय करते हैं। इस तरह से दिवाली का फेस्टिवल हम लोग का बहुत ही अच्छा मना, बहुत अच्छे से हम लोग ने सेलिब्रेट किया। आई होप सो, भगवान करे हर साल ऐसी ही दिवाली हम लोग अच्छे तरीके से मनाते रहें, और हम लोग की ज़िंदगी हमेशा दिए की तरह हमेशा उज्ज्वल रहे, उजाला रोशनी ज़िंदगी में हमारे भरते रहे, और हम लोग खुशियाँ ही खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में बाँटें, और खुशियाँ ही खुशी अपनी ज़िंदगी में आते रहें, और हम लोग हर खुशियों को मनाते रहें, शेयर करते रहें, यही बस कामना रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरी सोसाइटी का है, उस दिन धनतेरस का दिन का था, अभी दिवाली का दिन का मैंने नहीं डाला है, तो इस तरह से मैंने सब कर दिया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।